हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं लेकर आई हूँ बहुत ही प्यारा सा बेबी जंपसूट और ये 1 ईयर बेबी के लिए है और इसके लिए हमें 1 मीटर कपड़े की ज़रूरत होती है। तो सबसे पहले हम टॉप पार्ट कट करेंगे जिसकी लेंथ 8 है और विड्थ जो है 7.5 इंच है। तो सबसे पहले हम शोल्डर मार्क करेंगे 4 इंच पे, फिर आर्म होल भी 4 इंच है, 4 इंच पे निशान लगा लेंगे। चेस्ट जो है हमारी 7 इंच है, जो भी आपका चेस्ट मेजरमेंट है उसको हम 4 से डिवाइड करेंगे, उसमें 2 इंच की मार्जिन करेंगे और वेस्ट जो है 6.5 इंच है। तो इस तरीके से हम निशान लगा लेंगे और फिर आर्म होल का निशान लगाएंगे। नेक विड्थ जो है हमारी 2 इंच है और नेक डेप्थ जो है 3 इंच है। फिर इस तरीके से हम राउंड नेक का निशान लगा लेंगे और दिए गए निशान पर हमको कट कर लेना है। अगर मेरी वीडियोज़ पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए एंड हिट द बेल आइकन फॉर न्यू वीडियोज़ नोटिफिकेशन। और ये बहुत से कम कपड़े में बन के रेडी हो जाता है। फिर हम बॉटम पार्ट कट करेंगे जिसके लिए हमने 4 फोल्ड कपड़ा लिया है और इसकी विड्थ जो है 8 इंच है और लेंथ है 9 इंच। तो सबसे पहले हम टॉप पार्ट के नीचे बॉटम पार्ट रख के और जहाँ पे टॉप पार्ट का वेस्ट है वहाँ पे हम निशान लगा लेंगे। फिर वहाँ से हम क्रॉच लेंथ के निशान लगाएंगे, क्रॉच लेंथ जो है 7 इंच है। फिर 1.5 इंच का आगे एक्सटेंड करेंगे, फिर वहाँ से हम बॉटम का निशान लगाएंगे, बॉटम जो है हमारी 6.5 इंच है और दिए गए निशान पे हम इसको कट कर लेंगे। ये देखिए कट हो चुका है। फिर हम बटन पट्टी के लिए हम फ्रंट पार्ट में कट करेंगे बीच से और जिसके लिए हमें एक पट्टी चाहिए जिसकी विड्थ है 3 इंच। फिर उसको टॉप पार्ट की राइट साइड पे पट्टी को राइट साइड रखना है और उसको एक सिलाई लगा लेनी है। फिर इसी तरीके से दूसरी पट्टी लेंगे जिसकी विड्थ है 2 इंच और टॉप पार्ट की राइट साइड पे पट्टी का राइट साइड रख के ऊपर से हम स्टिच लगा लेंगे। फिर हम इसको फोल्ड करके बटन पट्टी रेडी कर लेंगे जिसमें आप अपनी मर्जी के मुताबिक बटन भी लगा सकते हैं और हुक भी लगा सकते हैं अंदर की साइड। तो इस तरीके से हमें फोल्ड करके सिलाई लगा लेनी है। इस तरीके से छोटे छोटे जंपसूट छोटे बच्चों पे बहुत ही प्यारे लगते हैं समर में, तो इस तरीके से बनाइए और पहनाइए अपने बच्चों को। फिर हम शोल्डर ज्वाइन करेंगे। सबसे पहले बटन पट्टी में हम पिन लगा लेंगे ताकि वो हिले ना, एडजस्ट हो जाए। शोल्डर ज्वाइन करने के बाद हम नेक रेडी करेंगे जिसके लिए मैंने क्रॉस बाइस स्ट्रिप लिया है। क्रॉस बाइस स्ट्रिप को हम 1/2 इंच इतना ऊपर की ओर फोल्ड करेंगे और टॉप पार्ट के राइट साइड पर क्रॉस बाइस स्ट्रिप भी राइट साइड पे रखेंगे और हम इसको एक स्टिच लगा लेंगे एक पैर के मार्जिन से। इसी तरह क्रॉस बाइस स्ट्रिप से हम आर्म होल रेडी करेंगे। पट्टी को खींचना नहीं है, आराम आराम से धीरे धीरे से हमको स्टिच करना है, नहीं तो झोल आ जाएगा। अगर मेरी वीडियोस आप लोग देखते हैं तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर दिया करो, सब्सक्राइब करने में कुछ नहीं जाता, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। और कमेंट भी क्या करिए। इस तरीके से हम आर्म होल भी रेडी कर लेंगे और जो भी एक एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको हम कट कर लेंगे। तरीके से दूसरा आर्म होल भी रेडी कर लेंगे। फिर हम कैंची से छोटे छोटे कट लगाएंगे आर्म होल पर और नेक पर, इससे क्या होता है झोल नहीं आता है और फिनिशिंग अच्छी आती है। कट लगाने के बाद हम पट्टी को रॉन्ग साइड पे पलट लेंगे फोल्ड करके। पलटने के बाद स्टिच कर लेंगे इस तरीके से।
लिए मैंने नेक और आर्म होल रेडी कर लिया है। अब हम नीचे वाला पार्ट से लेंगे। सबसे पहले हम क्रॉच एरिया स्टिच करेंगे, स्टिच करने के बाद सीधा करेंगे और फिर बॉटम डबल फोल्ड करेंगे बारीक बारीक सा। फिर क्रॉच वाला एरिया फिनिश करेंगे, फिर हम सीधा कर लेंगे। टॉप पार्ट को सही से एडजस्ट करने के बाद हम साइड की फिटिंग लगा लेंगे। फिटिंग लगाने के बाद हम बॉटम पार्ट टॉप पार्ट के नीचे रखेंगे और टॉप पार्ट को अच्छे से हम पिन से सिक्योर कर लेंगे। टॉप पार्ट को उल्टा कर लेंगे और फिर बॉटम पार्ट में हम साइड में नॉच लगाने के बाद फिर बॉटम पार्ट को टॉप पार्ट के अंदर करेंगे और सही से एडजस्ट करेंगे जहाँ पे हमने नॉच लगाया है उसको, और टॉप पार्ट का जो हमने साइड की वेस्ट की सिलाई लगाई है वो दोनों मिलना चाहिए आपस में। जो हमने कट लगाया है और टॉप पार्ट का वेस्ट का साइड वाला वो दोनों आपस में मिलना चाहिए। और इस तरीके से मिला के आप चाहें तो पिन से सिक्योर भी कर सकते हैं और इस तरीके से आप सिलाई कर लेंगे। ये देखिए मेरा नॉट और साइड की फिटिंग वाला बिल्कुल सही से बराबर आया है और मैं स्टिच कर रही हूँ। और फिर प्लाकेट आएगा तो वहाँ पे अच्छे से हम एक के ऊपर एक प्लाकेट को चढ़ा के और फिर इस तरीके से हम सिलाई लगा लेंगे। फिर हम एक ब्लैक कलर की पट्टी लेंगे जिसकी विड्थ 2 इंच है और लेंथ जो है 25 इंच है। तो ये जो मिडल में हमने दोनों को जोड़ा था टॉप और बॉटम पार्ट को उसके ऊपर ये हमारी पट्टी लगनी है क्योंकि हमको इसमें फीता लगाना है। तो बीच में सेंटर में चौक से हम निशान लगा लेंगे, फिर उससे 1 इंच की दूरी से हम ये पट्टी लगाना शुरू करेंगे और पट्टी को अंदर की ओर रॉन्ग साइड पे 1/2 इंच इतना फोल्ड कर लेंगे। ये देखिए बीच में जहाँ मैंने चौक से निशान लगाया था नज़र आ रहा होगा उससे 1 इंच की दूरी से हम पट्टी को रख के स्टिच कर लेंगे अंदर की ओर फोल्ड करके। तरीके से कपड़ा एडजस्ट करते हुए हम सिलाई लगा लेंगे और जो लाइन थी बीच वाली उसके ऊपर हमको पट्टी को रख के स्टिच करना है और फिर इधर से भी एक साइड छोड़ के हमको पट्टी को स्टिच करना है और जो एक्स्ट्रा पट्टी है उसको हम कट कर लेंगे। फिर रॉन्ग साइड पे 1/2 इंच इतना फोल्ड करके हम स्टिच कर लेंगे। यहाँ पे डबल स्टिच करें ताकि मजबूती रहे। फिर अब इस साइड से हम स्टिच करेंगे पट्टी को अंदर की ओर फोल्ड करके और धीरे धीरे आराम से इस तरीके से पूरी पट्टी हम स्टिच कर लेंगे। ये देखिए जंप सूट रेडी हो गया है। इसके अंदर हमको फीता बना के डालना है। तो स्ट्रिप की विड्थ है 2 इंच और लेंथ है 35 इंच। इसको दोनों तरफ से फोल्ड कर लेंगे और फिर एक बार और फोल्ड करके सिलाई लगा लेंगे पूरे पे। तो इस तरीके से हमारी पट्टी रेडी हो जाएगी। फिर हम इसको सेफ्टी पिन की मदद से इंसर्ट कर लेंगे और नॉट लगा देंगे। तो और इसमें जो मैंने बटन बनाया है खुद हैंडमेड बनाया है, इसकी वीडियो भी जल्दी अपलोड करूँगी। तो बने रहिए मेरे साथ नेक्स्ट वीडियो तक। तब तक के लिए बाय बाय, खुश रहिए, आबाद रहिए।